आज किसी फिल्मी सितारे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ रियल लाइफ के असली हीरोज की बात कर रहा हूँ, कुछ सितारों की बात कर रहा हूँ। ये हमारे असली हीरोज जो सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए, सिर्फ आपके नहीं आपके पूरे फैमिली के सेफ्टी के लिए आज दिन रात काम कर रहे हैं। उनकी दोपहर की ड्यूटी वो रात तक निभा रहे हैं। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था तभी से सभी लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, कोई बाहर नहीं आ रहा था डर के मारे, बट अब क्या हो गया, सबको आदत हो गई है डर की। क्या गलती इन पुलिस वालों की, आज उनकी मौत हो रही है। बहुत सारे पुलिस वाले आज कोरोना से पीड़ित है। आपकी तरह घर में छुपके बैठ सकते हैं ना, बट फिर भी काम किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए। दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्फ, हमारे लिए काम कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप खुलेआम बाजारों में घूम रहे हैं। अरे दुकानें चालू हो गई, पागलों की तरह दौड़ रहे हो। कितने सारे लोगों के पास एक टाइम का भी खाना नहीं है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी जान गंवा रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान गंवा रहे हैं, साफ सफाई वाले अपनी जान गंवा रहे हैं। सब लोग फाइट कर रहे हैं, मिलिट्री फाइट कर रही है, अरे अपना किसान तक फाइट कर रहे हैं। सिर्फ पुलिस भारतीय नहीं है, सिर्फ मेडिकल वाला डॉक्टर भारतीय नहीं है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी भारतीय नहीं है, तुम भी इंडियन हो। ये वॉर हम लोग किसी सेना के साथ नहीं लड़ रहे हैं, ये वॉर हम लोग वायरस के साथ लड़ रहे हैं। रिस्पेक्ट हैज टू बी गिवन टू ऑल द फाइटर्स। कामो थे के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आदरणीय बाबा साहेब तुपे जी, जो अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। जिन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं है, इन सारे लोगों तक तुपे सर उनकी टीम बहुत अच्छे तरीके से मदद पहुंचा रही है, और इसके लिए वह 24 घंटा दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। कामोटे परिसरातील सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येत आहे, कामोटे झोन जो आहे ते रेड झोन आणि कंटेनमेंट झोन प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून माननीय आयुक्त पनवेल महानगरपालिका यांनी डिक्लेअर केलेला आहे। विनाकारण कुणीही घरातून बाहेर पडू नका। सर्वांना विनंती असेल की अत्यावश्यक सेवा सोडून कोणतीही आस्थापना चालू राहणार नाही। ज्या अत्यावश्यक सेवा, ज्यांना काही खरेदी करायचं असेल, दूध असेल, भाजी असेल, औषधं असतील, धान्य असेल, ते आपण राहत असाल त्या ठिकाणच्या नजीकच्या आस्थापनेतून खरेदी करायचं आहे। आम्ही बघतोय, भाजीपाला आणायचा असेल, धान्य घ्यायचं असेल, तर पत्नीबरोबर नवरा पाहिजे, नवऱ्याबरोबर बायको पाहिजे, अशा पद्धतीने तीन तीन चार चार जणं घरातून बाहेर पडतात आणि विनाकारण गर्दी करून
कोरोना सारख्या महाभयंकर रोगाला खतपाणी घालतायत। सगळ्यांना विनंती असेल, महाराष्ट्र शासन यांनी जवळजवळ 2.5 महिन्यापासून लॉकडाऊन केलेला आहे, संचारबंदी लागू आहे, तरी सुद्धा काही मंडळी घरातून काही कारण नसताना घरातून बाहेर पडतायत, रस्त्यावर फिरतायत, विनाकारण 2-व्हीलर घेऊन फिरतात, 4-व्हीलर घेऊन फिरतायत। सगळ्यांना विनंती असेल, घरातून बाहेर पडू नका, आपापल्या घरी थांबून राहा, सुरक्षित राहाल। 2 दिवसापूर्वी 3 पेशंट मृत्यू पावलेले आहेत। जर माहीत नसेल, दररोज 3-3, 4-4 पेशंट मृत्यू पावतायत। हे सर्व हिताच्या साठी आम्ही सगळ्यांना विनंती करून वारंवार सांगतोय, एकमेकाच्या सानिध्यात येऊ नका, आणि रस्त्यावर येऊन भाजीपाला असेल, दुधाची स्टॉल असतील, धान्याची दुकाने असेल, अशा ठिकाणी गर्दी करू नका। सोशल डिस्टन्स पाळलं पाहिजे। सगळ्यांना असं वाटत असेल यार रेड झोन कधीतरी उठून आपण ग्रीन झोन अथवा ऑरेंज झोन मध्ये जावं, तर महाराष्ट्र शासन, माननीय आयुक्त पनवेल महानगरपालिका, माननीय जिल्हाधिकारी सो यांनी जे निर्बंध घातलेले आहेत ते सगळ्यांनी पाळले पाहिजेत, तर आणि तरच आपण ग्रीन झोन किंवा ऑरेंज झोन मध्ये जाण्याचा विचार करू शकतो। सर्वांना पुन्हा मी विनंती करेन, आपला कामोटे परिसर हा कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केलेला आहे, प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून डिक्लेअर केलेला आहे, कामोटे चारी बाजूनी सील केलेला आहे, बाहेर जाण्यासाठी आणि बाहेरून कामोटे क्षेत्रामध्ये येण्यासाठी एक आणि एकच आम्ही आता उभे आहोत, हा मार्ग मोकळा ठेवलेला आहे। कुणी खोटे कारण सांगून कामोटेमध्ये येण्याचा प्रयत्न करू नका, आणि कोरोनासारख्या महाभयंकर रोगाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न करू नका। त्यातच तुमचं सर्वांचं हित असेल, घरी थांबून राहा, सुरक्षित राहा। धन्यवाद। ऐसे कठिन परिस्थिति में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, अच्छी चीजों पर ध्यान दीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, लोगों को थोड़ा समझ के लीजिए, हमें फाइट को मिलकर जीतना है, सो लेट्स डू इट। आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आई होप हमारी फिर से बात होगी किसी नए सेंसिटिव टॉपिक को लेकर। रागास की टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। प्लीज स्टे सेफ, बी हैप्पी।